लोकसभा इलेक्शंस का जिक्र हो रहा है कि बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान किया, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जिससे मिर्ची लगी पाकिस्तान को। और एक कंपैरिजन भी तो होता होगा ना, यहाँ हमारा कश्मीर है जहाँ पर अमन चैन सुकून है, साथ ही साथ लोग वोटिंग के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अब विधानसभा इलेक्शंस की भी बारी आ रही है, और उधर पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सड़कों पर हैं, प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, और उधर पीओके में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर आ जाएं और ये कहें कि भाई हमारा तो भारत में विलय कर दो, ये भी तो बौखलाहट को बहुत ज्यादा बढ़ाता होगा, इसलिए भी बार बार ये हरकतें होती होंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रचना जी, ये एडेड जो फ्लेम लग रही है पाकिस्तान आर्मी को कि पीओके के जो सिचुएशन है उनके हाथ से जा रही है, ये वाक्य में ही है, और उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उनकी आर्मी के ऊपर जो तालिबान उनको कर रहा है, अभी 17 उनके अफसर जो जवान जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको भी जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से, तो वो ये मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम जो खड़ी होके एक साथ पाकिस्तान आर्मी झेल रहा है, बट पाकिस्तान आर्मी को पूरी सपोर्ट मिल रही है, जो जो उनके फाइनेंसेस आ रहे हैं, जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी चाहेगी कि ये कश्मीर का मुद्दा चलता रहे। अगर कश्मीर का मुद्दा ठीक हो गया, जैसे पीओके के लोग 5 GB मांग रहे हैं, अगर बाकियों ने भी मांगनी शुरू कर दी, तो फिर पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट जो इस समय भी यही मांग कर रही है कि हमको ये कश्मीर का मुद्दा और टेररिज्म नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंडिया के साथ रिलेशंस, वो सारा का सारा मिलके पाकिस्तान की आर्मी को इनंडेट कर देगा, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी इस आग को जलाए रखेगी किसी तरीके से कश्मीर का, और उनको फायदा है ये सारे 3% का। मैं एक बात और कहूंगा, पाकिस्तान की आर्मी को अगर आपको प्रेशर में डालना है तो एक और प्रेशर पॉइंट खोलिए पाकिस्तान की आर्मी का, उनके खिलाफ और प्रेशर खोलिए और कहीं और से स्टार्ट करिए, जरूरी नहीं जम्मू एंड कश्मीर हो, और कोई किताब में नहीं लिखा कि हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लड़ेंगे, एक अपनी सोच को जरा और मैलिएबल बनाई, तब देखेंगे आप पाकिस्तान फिर चौंकेगा, फिर पाकिस्तान की आर्मी रस्ते पे आएगी, अभी तो सिर्फ कश्मीर का नाम लेते हैं। और समझिए कि अगर इन सब चीजों को लेकर अगर बौखलाहट में पाकिस्तान है, तो जैसा लोकसभा इलेक्शन में बड़े चेहरों और नेताओं के जरिए ये वादा किया गया कि 6 महीने का अल्टीमेटम, अगर हम सत्ता में आते हैं तो पीओके भारत का हिस्सा होगा, अगर इस तरफ कदम आगे बढ़ते हैं, तो समझिए कि बौखलाहट कितनी ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, सुधाकर जी, सिरोही जी, साथ ही साथ बख्शी सर और अजय जांडियाल, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। ग्रेड ए ऑफिस एंड रिटेल।